अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका, ये मुलाकात क्या कहती है सर? जी धन्यवाद अनुज जी। देखिए ये मुलाकात अनौपचारिक मुलाकात है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने आज सदस्यता ग्रहण सॉरी आज उन्होंने शपथ लिया है विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है इसको उस वे में ना देखिए। अगर जो भी सामने होगी बहुत ही शीघ्र आप लोगों के बीच ला के रख दिया जाएगा जो भी चीजें हैं। अनुज जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी कल मैं आपके चैनल पे बैठा भी था जी डिबेट में जी, तो कहीं ना कहीं बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही शीघ्र समय अनुसार आप लोगों के सामने सब कुछ प्रस्तुत कर देंगे और सारी बातें आप लोग के बीच में आ जाएगी। देखिए अरविंद जी क्या होता है ना कि राजनीति संदेश और संकेतों पर चलती है, परसेप्शन पर चलती है, और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए आज के डेट में वो सूबे के सूबेदार है आदरणीय योगी जी, तो मुलाकात जसवंत नगर विधानसभा की क्षेत्रों को लेके हो सकती है, कई चर्चाएं चल रही है उसके लिए भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सच ये है कि समय आने दीजिए, समय आने के अनुरूप सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। इधर अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को पूछा नहीं, उनकी इतनी बेइज्जती कर दी, और आज ये मुलाकात हो रही है तो लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी में चले गए शिवपाल जी। नहीं नहीं देखिए जब जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो आने वाले वक्त में सब कुछ तय हो जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी आप सब लोग इंतजार कीजिए और समय के अनुसार सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ये तो आदरणीय अखिलेश जी को सोचना चाहिए ना कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री जी अगर समय दे रहे हो मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में बहुत कुछ अभाव था जी, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन मैं अभी पुनः फिर वही कहूंगा कि समय के साथ सारी जवाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग मार्गदर्शन में सब कुछ जवाब आप लोग के बीच ला। गठबंधन में बहुत सारी खामियां थी आप कह रहे हैं, लेकिन क्या बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पहले कदम उठा लेना चाहिए था क्या? नहीं नहीं देखिए पहले कदम हम लोग इसलिए कोई भी कदम नहीं उठाते, या आज भी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कोई कदम अभी नहीं उठाया है। हाँ ये जरूर है कि अगर इसी तरीके से उपेक्षा और अपमान होता रहा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई ना कोई तो दिशा तय करेंगे ही, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अनुरूप वो कार्य करते हैं। गठबंधन जब हुआ समाजवादी पार्टी से जी, तो समाजवादी विचारधारा के लोगों के अनुरूप हुआ जी, सबकी मंशा थी तो हुआ। ऐसा नहीं था कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अपने आप कर लिए, सबकी मंशा थी, सबकी सोच थी, जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे सबसे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बातें किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, ताकि जो जुर्म था जो अत्याचार था जिस तरीके से लोग पीड़ित पड़ताड़ित थे वंचित थे शोषित थे सबको न्याय मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरा जब पहलू देखेंगे कि जिस तरीके से मान लीजिए कि एक मजबूत विपक्ष